नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार शाम को फेसबुक लाइव में कहा कि अगर विधायक सामने आकर बोले तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बेकरार नहीं हूं, मैं तो संयोग से सीएम बना। शरद पवार ने प्रस्ताव किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। हालांकि उद्धव का यह संबोधन महाराष्ट्र की जनता के नाम था, लेकिन कुल मिलाकर यह संदेश बागी विधायकों और शिवसैनिकों को था। उद्धव ने कहा कि वो कुर्सी के लिए नहीं लड़ेंगे और शिवसेना हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी। अगर एक भी विधायक ने मुख्यमंत्री के रूप में मुझ पर आपत्ति जताई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं अपना इस्तीफा तैयार रख रहा हूं। आप मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं। शिवसेना के 30 विधायकों द्वारा बागी एकनाथ शिंदे को अपने नेता के रूप में समर्थन देने के लिए राज्यपाल को लिखे जाने के तुरंत बाद ठाकरे ने यह संबोधन किया है। ठाकरे ने कहा कि मुझे एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों के फोन आ रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें जबरन ले जाया गया है। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में संबोधित करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के साथ साथ शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर शिवसैनिक कहते हैं तो मैं दोनों पदों से इस्तीफा दे दूंगा। उद्धव ने कहा कि मैं कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू हूं और कल भी हिंदू रहूंगा। मुझे शरद पवार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, जिसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। अगर कांग्रेस और एनसीपी ये मान लेते कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना रहना चाहता तो ये उनका विषय है, फिर भी मैं समझ सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस और एनसीपी को आज भी मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे ही लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते तो क्या करूं? मैं उन्हें अब भी अपना मानता हूं। सूरत या कहीं और जाकर बात करने से अच्छा है उन्हें मेरे सामने आकर बात करनी चाहिए थी कि आप मुख्यमंत्री मत रहिए, आपको मेरे सामने कहना था। अगर एक भी विधायक भी कहता कि उद्धव मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कुर्सी को पकड़कर बैठने वाला नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं उन विधायकों से कहना चाहता हूं जो इस वक्त महाराष्ट्र से बाहर हैं, अगर वो मेरे सामने आकर ये कह दें कि हमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो मैं एक पल में ही इस्तीफा दे दूंगा। जो भी आपको बोलना है मेरे सामने आकर बोलो। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने सूरत जाने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं की थी? हिंदुत्व को लेकर मुझ पर सवाल उठाने से मुझे काफ़ी दुख होता है। मैं काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हूँ और मुझे अपना दुख नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का पत्र तैयार कर लेता हूं, आप राज्यपाल को ले जाकर दे दो। महाराष्ट्र में अब सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे ने अपने चीफ व्हिप की घोषणा कर दी है। इसका अर्थ यह है कि शिवसेना विभाजित हो गई है। इसका तकनीकी मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे अब खुद को शिवसेना विधायक दल का नेता बताते हुए बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे द्वारा बुधवार शाम 5 बजे बुलाई गई बैठक अवैध है। एकनाथ शिंदे ने भारत गोगावले को शिवसेना विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, इसलिए बुधवार शाम विधायक दल की बैठक के संबंध में सुनील प्रभु द्वारा जारी आदेश अवैध है। ये बात शिंदे ने ट्वीट में कही। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर अपने नाम के साथ मंत्री शब्द हटा दिया है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज सकते हैं। इस बीच संजय राउत ने एक और ट्वीट किया और लिखा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम विधानसभा भंग होने की ओर। वहीं आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटाया। पहले उन्होंने पर्यटन, पर्यावरण और संसदीय मामले के मंत्री लिखा था, लेकिन अब मंत्री और उनका विभाग गायब है। ये पता नहीं है कि क्या ये संकेत उन विद्रोहियों को सुलह के रूप में भेजा गया है कि आदित्य ठाकरे को हटा दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री के बाद उनका बेटा सबसे पावरफुल है। बहरहाल आदित्य ठाकरे का मंत्री शब्द हटाना काफ़ी कुछ संकेत कर रहा है। ईडी से 5 दिनों की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्हें ईडी से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अब तक तो ईडी के अफसरों को भी समझ आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराया नहीं जा सकता है। ईडी ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर उनसे 5 दिनों तक पूछताछ की है। राहुल गांधी बुधवार को AICC मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी और ऐसी एजेंसियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि मुझसे पूछताछ करने वाले अधिकारियों को भी ये बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि जीवन में बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं दूसरी पसंद रहा, पहली पसंद नहीं रहा हूं, लेकिन किसी परिस्थितिवश दूसरी पसंद होते हुए भी वो पद हम ही को मिला और उसका पूरा उपयोग किया राष्ट्रहित में। इस बार दूसरा नहीं चौथा उम्मीदवार हूं तो हमारे जीत की संभावना भी डबल हो जाती है। बता दें, सिन्हा से पहले शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वहीं वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा कि उनकी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं,
उन्होंने कहा कि उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ये लड़ाई है मुद्दों की, ये लड़ाई है भारत के संविधान को बचाने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें ये कहा जा रहा था कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देंगे या नहीं। नीतीश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फैसले की जानकारी देने के लिए फ़ोन किया था। नीतीश ने कहा कि हम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर खुश हैं, वो एक आदिवासी महिला हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि एक आदिवासी महिला देश में सर्वोच्च पद की उम्मीदवार हैं। उन्होंने ओडिशा सरकार में एक मंत्री के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका भी सराहनीय थी। बता दें हाल ही के दिनों में बिहार में जेडीयू के गठबंधन की सहयोगी पार्टी बीजेपी से मनमुटाव की खबरों के बीच ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन नहीं भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का मतदान कल यानी 23 जून को होगा। सभी पार्टियां मतदान की तैयारी में जुट गई हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव और भाजपा ने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को मैदान में उतारा है, तो वहीं रामपुर में सपा की ओर से आजम खान के करीबी आसिम रजा उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने भी आजम खान के करीबी रहे घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया है, इसकी काफ़ी चर्चा है क्योंकि दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी आजम खान के भरोसे पर है, तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं और यह अखिलेश की ही सीट रही है। हरियाणा की 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिका समितियों के वोटों की गिनती बुधवार सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई। इस दौरान बीजेपी ने बढ़त बना ली है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने इस्माइलाबाद नगर पालिका समिति अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर अपना खाता खोला है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन राज्य भर में प्रभावशाली नहीं रहा। बता दें कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला की इनोनो और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने भी कुछ सीटों पर जीत हासिल की है। 19 जून को हुए उपचुनाव में 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट डाले थे। अफगानिस्तान में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। अफगानिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि देश के पूर्व में आए भूकंप में 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 अन्य घायल हुए हैं। ये ताज़ा आंकड़ा बख्तर समाचार एजेंसी से आया है। बता दें अफगानिस्तान में बुधवार तड़के 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।